please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। 6 दिसंबर 1992 ने अयोध्या की पहचान बदल कर रख दी थी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जन्मभूमि रही अयोध्या विवादों की जन्मभूमि में तब्दील हो गई। तब से अयोध्या की हर हलचल शक सुबह से परे नहीं रह पाई। अब 25 साल बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या को दुनिया के पटल पर पुराने गौरव और वैभव लौटाने का बीड़ा उठाया है। जो हिंदुस्तान, उत्तर प्रदेश और अयोध्या की नई पहचान गढ़ सकता है, यह है अयोध्या की दिवाली। वो दिवाली जिसमें हर साल सैकड़ों, हजारों, लाखों पर्यटकों को अपनी ओर खींचने का मादा है। ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी अयोध्या की इस पर्यटन क्षमता को पहचान कर आज पूरी योगी सरकार ने इसका बिगुल फूंक दिया। ग्रंथों में सिमटे अयोध्या की कलयुग में ऐसी सूरत बनाने की कोशिश हो रही है जिसकी तुलना अभी से त्रेता युग से की जाने लगी है। जिस अयोध्या से दुनिया ने दिवाली मनाना सीखा, अमावस्या की रात से ठीक पहले अगर उसे पर्यटन की रोशनी में विकास, रोजगार और आस्था के प्रचार प्रसार से जोड़ा जा रहा है तो इसमें गलत क्या है? योगी की इस पहल की सराहना क्यों नहीं होनी चाहिए? लेकिन विपक्ष और योगी के विरोधी इसे सियासत से जोड़कर देख रहे हैं। इसे बीजेपी की राम मंदिर निर्माण की रणनीति से लेकर मिशन 2019 तक का रास्ता बताया जाने लगा है। हम आज इसी मुद्दे पर कुछ सवाल उठाने वाले हैं। हम तो आज पूछेंगे कि क्या योगी की अयोध्या वाली दिवाली से बीजेपी राम मंदिर के लिए माहौल बना रही है। सवाल नंबर दो जो आज हम पूछेंगे कि क्या बाबरी मस्जिद विध्वंस के जख्म को भरे बगैर अयोध्या में दिवाली अल्पसंख्यकों की अनदेखी है। और सवाल नंबर तीन कि क्या सरकारी दिवाली से अयोध्या की धार्मिक पहचान विपास वापस दिला पाएंगे मुख्यमंत्री योगी? ये दिवाली अयोध्या वाली, आज अयोध्या में दिवाली का माहौल है इस वक्त, उसकी तस्वीरें, दिन भर की हलचल, तमाम मेहमानों के साथ सीधे सवाल। लेकिन पहले ये घटनाक्रम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अयोध्या में आज पहली बार ऐसा दिख रहा है कि पुनः राम राज्य की स्थापना होने वाली है। उस समय आक्रोश था मंदिर को बनवाने के लिए और आज उल्लास है। इन अयोध्या में राम राज्य लौट आया, ऐसा लग रहा है कि रामचंद्र जी ही यहाँ अयोध्या आ रहे हैं। हम तो पूछेंगे, बड़ी बहस, ये दिवाली अयोध्या वाली। देश और दुनिया को अयोध्या ने दिया, लेकिन अयोध्या स्वयं उपेक्षित हो गई। अयोध्या लगातार प्रहार झेलने के लिए मजबूर होती गई, लेकिन अब वह प्रहार झेलने की स्थिति नहीं रहेगी। चौदह साल के वनवास के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के घर वापसी का जश्न अयोध्या में त्रेता युग के बाद इस तरह कब? न तो इतिहास और न ही धर्म ग्रंथ बता पाया, इसलिए इसे कलयुग में अयोध्या की अब तक की सर्वश्रेष्ठ दिवाली बताया जा रहा है, जिसे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुमकिन किया। योगी आदित्यनाथ का अयोध्या की दिवाली का मकसद पूरी तरह सूबे के धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है। आप सब बोले जय श्री राम। उत्तर प्रदेश देश और दुनिया का टूरिज्म का एक हब बने, इस विशेष की शुरुआत हम लोग अयोध्या से करने जा रहे हैं कि अयोध्या देश और दुनिया के सामने अपने उस पुराने वैभव के साथ एक बार पुनः स्थापित हो सके। ये कोशिश पहले की सरकारों को भी करनी चाहिए थी। पर्यटन को बढ़ावा देना, अयोध्या के रोजगार को बढ़ावा देने और दुनिया के नक्शे पर इसे एक और खास दर्जा दिलाने जैसा है। इसलिए जैसे प्रचार की जरूरत थी वो करने में
योगी सरकार कामयाब। पूरी कैबिनेट और राज्यपाल के साथ योगी भले ही अयोध्या की धरती पर आज बना, लेकिन इसकी तैयारी बहुत पहले से शुरू हो गई थी। शोभा यात्रा और तैयारियों की तस्वीरों में कल तक ट्रैक्टर से शहर घूमने वाले सियाराम आज उड़न खटोले से और फिर पारंपरिक तरीके से शुरू हो गई राम की दिवाली। देश और दुनिया को अयोध्या ने दिया, लेकिन अयोध्या स्वयं उपेक्षित हो गई। अयोध्या लगातार प्रहार झेलने के लिए मजबूर होती गई, लेकिन अब वह प्रहार झेलने की स्थिति नहीं रहेगी। मौके को ऐतिहासिक बनाने के लिए सरयू घाट से लेकर पूरा घाट तैयार हो, विश्व कीर्तिमान बनाने के लिए करीब 1,71,000 दीप एक साथ जगमग करने को सजा दी। लेकिन इसे राम की सियासत से जोड़ने से विपक्ष भला कैसे चूक जाता, सो इसे राम मंदिर विवाद से जोड़ने का काम सियासत ने शुरू कर दिया। पहली आवाज वो थी जिन्हें इतिहास का जिक्र होने पर मिर्ची लगती, लेकिन आज उन्हें इतिहास की याद सता रही थी। इंसाफ पसंद लोगों को ये याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट का स्टे था, हाई कोर्ट का स्टे था, एकता परिषद का रेजोल्यूशन था और उस वक्त के मुख्यमंत्री का अदालत के अंदर हलफनामा था। इसके बावजूद 6 दिसंबर 92 को मालवीय मस्जिद टूट गई और डायनामाइट से उड़ा दी गई। साफ है, अयोध्या की दिवाली को राम मंदिर निर्माण से जोड़ा जा रहा है, यानी त्योहार पर सियासत। अगर बाबरी मस्जिद मंदिर के नाम पर गिर सकती है तो फिर हिंदुस्तान की कोई इबादत का और कोई तारीखी जगह नहीं बच सकती, ऐसा हमारा मानना है। जब भी हम धर्म को और धर्म के उत्सव को एक संगठित रूप से या एक सरकारी रूप से, एक भव्यता से और खर्चे से जोड़ देते हैं तो बड़ी निराशा होती है। इसलिए हम तो पूछेंगे कि अयोध्या में योगी सरकार की दिवाली का विरोध करने वाले क्या सियासत कर रहे हैं। अब सुनिए हमारा आज का सवाल एक बार फिर से, क्योंकि आपके जवाबों का सीधे हमको इंतजार रहता है कि अयोध्या में योगी सरकार की दिवाली का विरोध करने वाले क्या सियासत कर रहे हैं। अगर आपका जवाब हाँ है तो HTTP space देकर Y लिखिए, नहीं के लिए HTTP space देकर N लिखिए। 518 18 पर आप SMS कर सकते हैं #HTP और #योगी की दिवाली के जरिए भी आप अपने सुझाव और सवाल हमको भेज सकते हैं। बड़ी चर्चा के लिए जो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे कराऊं। यहाँ स्टूडियो में विजय शंकर तिवारी जी हैं जो कि प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के, हमारे साथ अब्दुल रहमान आबिद साहब जो कि महासचिव हैं IMRC के, हमारे साथ जो लोग बाहर से जुड़ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुधांशु मित्तल जी हैं, स्वागत है आपका मित्तल साहब। कांग्रेस की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता अभय दुबे जी हैं, अभय साहब स्वागत है। राजीव राय समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हमारे साथ बेंगलुरु से, आपका भी स्वागत है। और मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद हैदर साहब जो कि शिया धर्म गुरु हैं, आप लखनऊ से मेरे साथ हैं, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और दर्शकों को हम सब की तरफ से दीपावली की शुभकामनाएं अग्रिम तौर पर ही मैं दे देता हूं ताकि हम सबका वक्त ज़ाया ना हो। सीधे तौर पर आऊंगा मैं अभय दुबे आपके पास, पर मैं ये जानना चाहता हूं कि क्यों विरोध हो रहा है इस दिवाली का। भाई जो काम तमाम सरकारों को पहले कर देना चाहिए था, भगवान हिंदुस्तान के, दुनिया भर में उनकी नाम पहचान, उनकी जन्मस्थली अयोध्या, उस अयोध्या में जाकर अगर दीपावली वहां की सरकार या मुख्यमंत्री मना रहे हैं तो किसी भी विरोधी को क्यों आपत्ति है। अभय दुबे, अयोध्या में दीपावली के उत्सव पर समूचे देशवासियों को कांग्रेस पार्टी की तरफ से शुभकामनाएं। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। ये कबीर जी ने बहुत प्रासंगिक दोहा आज के परिप्रेक्ष्य में योगी जी के लिए कहा है कि आप युगों से माला तो फिरते हैं फेरते हैं राम जी की, मगर मन में सत्ता की अवधारणा लिए हुए हैं। जब आप सच्चा हाथ की माला को त्याग कर राम प्रभु की सच्चाई की माला जपने लगेंगे तब राम राज्य की अवधारणा चरितार्थ होगी। सुमित जी, आज प्रभु श्री राम दीपावली के अवसर पर जब अयोध्या पधारेंगे तो कौन सी अयोध्या हम उनको सौंपने जा रहे हैं। राम राज्य की अवधारणा क्या थी? न्याय की, मर्यादा की, रक्षार्थ, सत्ता को तज कर वन का गमन कर देना।
उस राम राज्य की अवधारणा के स्वर जब कानों में अनुगुंजित होते हैं तो हमें न्याय की नगरी दिखाई देती है, हमें सद्भाव की नगरी दिखाई देती है, हमें वो नगरी दिखाई देती आप है ये कह रहे हैं आज जो कुछ अयोध्या में सरयू के तट पे हो रहा है वो अन्याय है, वो गलत है, वो विकास नहीं है। अभय दुबे, ये पर्यटन की बात करना, रोजगार को बढ़ावा देना, ये सब गलत कर रही है यूपी की योगी सरकार। उत्तर प्रदेश में आज मासूमों को सत्ता के संस्थागत तरीके से अगर ऑक्सीजन की कमी से मौत के घाट उतार दिया जाए तो यह रामराज्य कतई नहीं है। अगर नवरात्रि में उन बच्चियों को, उन देवियों को जिनकी पूजा की जाती है, निर्ममता पूर्वक, बर्बरता पूर्वक मारा जाए तो यह रामराज्य कतई नहीं है। अगर अपराधी उत्तर प्रदेश का प्रतिदिन मान मर्दन करते रहें और बलात्कारी गली गली चौराहे पर घूम सुधांशु मित्तल पे जाऊंगा आप जवाब दें तो यह रामराज्य नहीं है। अयोध्या की तुलना राम को गोरखपुर की घटना से करने लगे हैं, अयोध्या की तुलना उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर से करने लगे हैं। आज की तस्वीर इनको अधूरी लग रही है कि ये राम राज नहीं है। सुधांशु मित्तल, अभी सुमित जी इन्होंने एक चौपाई सुनाई, मैं अभय दुबे जी को एक शेर सुना देता हूं। कटी रात सारी मेरी मैं कदे में, कटी रात सारी मेरी मैं कदे में, खुदा याद आया सवेरे सवेरे। ये है इनका सत्य और ये है इनका इतिहास। योगी जी अयोध्या में जाकर दिवाली के उपलक्ष में आराध्य राम के आगमन का जो एक चरितार्थ होता है हमारे यहाँ, उस मौके पे दिए जलवा के हर्षोल्लास की अभिव्यक्ति करते हैं और इसमें आज उंगलियां उठ रही हैं। अच्छा, दिवाली में अयोध्या में अगर हर्षोल्लास नहीं होगा, दिए वहां नहीं जलेंगे तो कहां चलेंगे ये और मुझे बता दे। हम तो पूछेंगे कि क्या योगी जी हिंदू नहीं है? क्या योगी जी को अपने धर्म की आस्थाओं के प्रति अपनी अभिव्यक्ति का की आजादी नहीं है? क्या अयोध्या में दिए जलाना गलत है? क्या अयोध्या में रामलला के स्वागत में उनके गुणगान करना गलत है? या वहां पर अयोध्या में राम राज्य की कल्पना करना गलत है? हम तो ये भी पूछेंगे कि इसमें आप लोगों को मिर्चा क्यों लग गई? हम तो ये भी पूछेंगे कि क्यों कुंठित अपनी मानस का और प्रवृत्ति का आप लोग दर्शा रहे हैं? हम तो ये भी पूछेंगे कि इसमें आपको राजनीति क्यों दिख रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके दिमाग में एक सड़न आ गई है जिसमें हर चीज आपको इसलिए राजनीति दिखती है क्योंकि भविष्य में निराशा दिखती है? ठीक है, तो ये पूछेंगे। मैं हम आखिरी में ये भी पूछेंगे। सुधांशु जी, मैं काउंटर देना चाहूंगा राजीव राय से। सुमित जी, अभय दुबे में आऊंगा, अभय दुबे में आऊंगा। लेट मी गो टू एवरी पैनलिस्ट। राजीव राय, क्योंकि सरकारें आपकी थी इसके पहले, अखिलेश जी रहे, उसके कुछ साल पहले मुलायम सिंह रहे, मायावती वहां रह चुकी हैं, ये सब किसी और सरकार की समझ में क्यों नहीं आया कि इस अयोध्या को, इस राम की नगरी को, जो कि दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के मानचित्र पर छा सकती है ताजमहल की तरह, वो नहीं करवाया? क्यों राजीव राय आपको योगी जी का ये कदम राजनीति से प्रेरित दिखता है, क्यों? सुमित जी, गोपाल दास नीरज जी ने कहा था, जलाओ दिए पर रहे ध्यान, इतना अंधेरा धरा पर रह कहने जाए। किसको राजनीति दिखती है? किसको इनके अयोध्या जाने से ऐतराज है? जबरदस्ती हिंदू मुसलमान बनाना चाहते हैं? जब योगी जी नहीं थे और मोदी जी नहीं थे तो हमने राम चबूतरा बनवाया, हमने थीम पार्क के लिए पैसे सैंक्शन किए, हमने घाटों का सुधारीकरण किया, हमने चित्रकूट बनवाया, हमने बरुणा में दिखा दिया कि कैसे बनता है। और जिन चुनावों में आप लखनऊ में आकर गोमती रिवर फ्रंट पर प्रोग्राम करते थे उसको भी हमने कर दिया, वो सब राम की ही देन है। और सुधांशु मित्तल जी बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे, हम आपसे पूछेंगे कि क्या राम ने यही कहा था? राम में और आप में फर्क क्या है आप जानेंगे? राम ने सिद्धांतों के लिए सत्ता को ठोकर मारकर जंगल में चले गए और आपने सत्ता के लिए सिद्धांतों को बेच दिया। राम के सिद्धांत थे सबको साथ लेकर चलो, राम के सिद्धांत थे जनता से झूठ मत बोलो कि हम 15 जून से पहले गड्ढे को मुक्त कर देंगे, हम अपराधियों को मिटा देंगे, हम 24 घंटा बिजली देंगे, हम कर्जे माफ कर देंगे, एक पैसे निवासी पैसे। और राम ने कहा था, राम राज्य की कल्पना को समझिए, राम को कब तक बेचते रहेंगे? विश्व हिंदू परिषद पर हमने नहीं, कांग्रेस ने नहीं,
हिंदू महासभा ने आरोप लगाया 1400 करोड़ रुपए राम मंदिर के नाम पर खा गए और लाखों टन सोना बचा गए। आप राम को कब तक बेचेंगे? राम जी आपको देख रहे हैं, जो आप रामचंद्र की दशा है आपके ऊपर है। आप हंसते मुस्कुराइए, जब चुनाव आए राम को बेचते रहिए। बढ़िया बात कही आपने। एक बेटे ने, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री था, बाप को धक्के मार करके अपनी सत्ता के बाहर कर दिया। राम का यही आदर्श है। अभी आप राम का आदर्श बता रहे थे कि राम बेटे ने बाप को धक्का मार दिया। राम ने सिखाया था, राम ने सिखाया था, राम ने सिखाया था कि जनता का हित सर्वोपरि है। राम ने यह सिखाया था कि जनता का हित सर्वोपरि है। राम ने आपको सिखाया कि मंदिर के नाम पर कैसे खा जाइए। राम ने आपने बनाए 1400 करोड़ का जवाब दे दीजिए। हिंदू महासभा को 1400 करोड़ का जवाब दे दीजिए, जो आप लूट लिए, जो आप खा लिए, फिर आप बोलिएगा आपको कोई आपको शर्म नहीं आती? राम को बेचते रहे, आपको शर्म नहीं आए? हिंदू महासभा के जवाब दीजिए। 1400 करोड़ के खाने के लिए राम ने आपको चिट्ठी लिखी थी? राम ने आपको चिट्ठी लिखी थी कि मेरे नाम पर मंदिर बनवाने के नाम पर पैसे खा जाना? राम ने आपको चिट्ठी लिखी थी? राम ने आपको सिखाया था? राम ने आपको सिखाया था? अखिलेश जी ने पैसे खाते रहे, राम को बेचते रहे, सुना आप? वो सोना कहाँ गया जो आपने इकट्ठा किए? वो 1400 करोड़ रूपए कहाँ गया? राम राम के नाम पर देश लूटने वाले। तिवारी जी, राय साहब, राय साहब, राय साहब, एक मिनट, राय साहब, एक मिनट, तिवारी साहब बोल रहे हैं। अभय जी बैठे हैं, अभय जी ये सत्ता की बात कर रहे थे, तो मनीष शंकर अय्यर जी पाकिस्तान में जाकर के मोदी सरकार को गिराने की बात क्यों कर रहे थे? यानी सत्ता का वो आदर्श स्थापित करना चाहते हैं क्या? मैं कहता हूँ, 14 वर्ष के बाद वनवास भोग कर भगवान राम जब अयोध्या वापस आए, जो उत्साह वहां पर था, उस उत्साह को योगी जी ने दोबारा से दिखाने की कोशिश की है। मैं कहता हूँ, देश के राम भक्त, देश के धार्मिक आध्यात्मिक जो भी लोग हैं, आराधित हो रहे होंगे, लेकिन जाकी रही भावना जैसी, अगर आराधित हो रहे तिवारी जी, तो ये सामने आबिद साहब बैठे हैं। एक मिनट, अभी तुम्हें आऊंगा आबिद साहब, मैं आपसे पूछता हूँ, 6 दिसंबर 1992 को जो कुछ हुआ, आज वो समुदाय जिसकी वहां पर कथित तौर पर बाबरी मस्जिद थी, जिसको ढांचा कहा जाने लगा, वो कैसा महसूस कर रहा होगा? आज मुख्यमंत्री के साथ पूरी कैबिनेट जाती है अयोध्या में और उसका जिक्र नहीं हो रहा है। वो कम्युनिटी कहाँ है जो कि बड़ी तादाद में रहती है? क्या उस कम्युनिटी को डराया जा रहा है? क्या वो कम्युनिटी घबराई हुई है, या वो भी इस उत्साह में शामिल है जो दीप उत्सव चल रहा है सरयू के तट पर? आबिद साहब, सबसे पहले तो मैं देश के तमाम हिंदू भाइयों को दीपावली के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। उसके बाद में देखिए, एक बात बेसिक जो उसूली बात है, हर आदमी को, मैं उस विचारधारा का आदमी हूँ कि हमारा संविधान हर आदमी को अपने देश में अपने धर्म की तमाम जो भी रीति रिवाज हैं, जो भी आस्था है, उसको पूरा गारंटी देता है उसकी कि आप वो मनाएं, आज़ादी के साथ मनाएं। अगर योगी आदित्यनाथ बहैसियत एक हिंदुस्तानी के अयोध्या में जाकर के दिवाली मनाते हैं तो उनका स्वागत है, क्योंकि अयोध्या नगरी श्री रामचंद्र जी की नगरी है। जब 14 वर्ष का वनवास काट के वो वहाँ आए तो वहाँ की जनता ने उनका दीप जलाकर स्वागत किया और उसी की याद में आज ये दिवाली मनाई जाती है भारत में, ठीक है। तो इसलिए बहैसियत एक हिंदुस्तानी के उनका स्वागत है, लेकिन बहैसियत एक चीफ मिनिस्टर के अगर सरकारी पैसे को खर्चा करके वहां पर जाकर के वो दिवाली मनाते हैं तो मैं समझता हूं कि ये देश का जो क्यों सरकारी खर्चे में इफ्तार हो सकते हैं, वो भी गलत, खर्चे में इफ्तार हो सकते हैं, वो भी गलत, सरकारी खर्चे में दिवाली क्यों नहीं हो सकती? आप सुमित भाई, इफ्तार अगर सरकारी खर्चे पे होता वो भी गलत है, वो भी नहीं होना चाहिए। आपने कभी नहीं कहा पहले, हमने कहा भाई साहब, हमने प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक के डिबेट्स इस तरह नहीं होते। अवतार सरकारी पैसे से नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए, सेकुलर स्टेट का मतलब आपकी जमात का कोई धर्म नहीं है भाई, आपकी बुरा मत मानिएगा, आपकी जमात के सैकड़ों की संख्या में लोग इस तरह की इफ्तारों में शामिल होते रहे, तस्वीरें खिंचवाते रहे, लगवाते रहे। तो अगर योगी आदित्यनाथ एक हिंदू होने के नाते पूजन करते हैं दीपावली का, तो क्या गलत कर रहे हैं भाई? सुमित भाई, उसूली तौर पर अगर वो मुसलमान ऐसा करते हैं वो गलत करते हैं, और योगी आदित्यनाथ मरम्मत सरकार के पैसे से होती है, वहाँ की सज्जा सरकार के पैसे से होती है,
तो ये देश के नहीं नहीं ये गलत बात कर रहे हैं। बात कहने दीजिए ना, कहिए आप, जब आपकी बारी आए ना बोलिए। नहीं हमारी बारी नहीं, लेकिन दूसरी बोल रहे थे आप। दूसरी बात मैं आऊंगा अभी साहब, मैं इसी पॉइंट से शुरू करूंगा। राम का यही आदर्श है, अभी आप राम का आदर्श बता रहे थे कि राम बेटे ने बाप का धक्का मार दिया, राम ने सिखाया था, राम ने सिखाया था, राम ने ये सिखाया था कि जनता का हित सर्वोपरि है, राम ने ये सिखाया था कि जनता का हित सर्वोपरि है, राम ने आपको सिखाया कि मंदिर के नाम पर कैसे खा जाइए, राम ने आपने बनाया 1400 करोड़ देकर जवाब दे दीजिए, हिंदू महासभा को 1400 करोड़ का जवाब दे दीजिए, जो आप लूट लिए, जो आप खा लिए, फिर आप बोलिएगा। मुख्यमंत्री योगी दीपावली मना रहे हैं जाकर, आज छोटी दीपावली के मौके पर अयोध्या में, जैसा कि राम भगवान लौटे होंगे अयोध्या में स्वागत होगा, वो स्थिति आज यूपी सरकार अयोध्या में करके दिखा रही है। और इसीलिए मेरा सवाल आज का है, जिसके नतीजे अब आपको दिखाते हैं कि अयोध्या में योगी सरकार की दिवाली का विरोध करने वाले क्या सियासत कर रहे हैं? सुनिए जवाब। 93% लोग हाँ में जवाब दे रहे हैं SMS पोल पर, और ट्विटर पोल के नतीजे भी आपके सामने स्क्रीन पर हैं। ज्यादातर लोग 86% लोग यहाँ भी कह रहे हैं कि जो लोग विरोध कर रहे हैं योगी की इस दिवाली पूजा का, वो सियासत कर रहे हैं। मैं आबिद साहब आप ही से शुरू करता हूँ, मैं चाहूंगा आबिद साहब की बातों का जवाब हैदर साहब दे। आबिद साहब क्यों दिक्कत हो रही है भाई? अगर आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, आप कह रहे हैं सरकारी पैसे का भेजा खर्च नहीं होना चाहिए, आप अगर ये सवाल उठाते कि अगर योगी आदित्यनाथ इसी दिवाली के साथ साथ क्रिसमस भी मनाएंगे, बकरीद भी मनाएंगे, इफ्तार भी मनाएंगे सरकारी खर्चे से, तो शायद मैं आपको टोकता नहीं। तमाम सरकारें इफ्तार मनाती रही, किसी ने सवाल नहीं खड़े किए। अब अगर यूपी में योगी सरकार अगर नवरात्रि की पूजा कर रही है, कन्या को खाना जिमा रही है, यूपी योगी सरकार जाके दिवाली मना रही है, तो क्या गलत है भाई? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। सुमित भाई पहले तो मैं एक सेंटेंस में ये बात का जवाब दिया देता हूँ जो आपने अभी भी सवाल किया, फिर उस असल सवाल पर आऊँगा जो आपने पहले किया था। जी देखिए, कोई भी सरकार हो, चाहे किसी भी धर्म की कोई भी रीति रिवाज हो, अगर उसको वो सरकारी पैसे से करती है तो मैं समझता हूँ कि ये सेकुलरिज्म के मायने के खिलाफ है। चाहे वो मुसलमानों की ईद का त्यौहार हो, अफ्तार का त्यौहार हो, या कोई और हो, या क्रिसमस हो, मानेंगे मुलायम सिंह गलत कर रहे थे, मानेंगे अखिलेश गलत कर रहे थे, जो भी मानेंगे मनमोहन सिंह गलत कर रहे थे, जो भी करता है सोनिया गांधी गलत कर रही थी, A to Z कोई भी अगर करता है, मैं समझता हूँ कि ये सेकुलर सरकार के सिद्धांत के खिलाफ है, एक बात। और ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर किसी ने किया है तो अब जब ये सारा देश ही बदल रहे हैं तो इनको ये रिवायत बदल देनी चाहिए, सेकुलरिज्म को सेकुलरिज्म रहना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, आपने 6 दिसंबर से जोड़ के कही थी पूछा था सवाल कि 6 दिसंबर को जो कुछ हुआ था क्या वो कम्युनिटी आज डरती है? देखिए बात जहां तक डरने और न डरने की है, तो मुसलमान का मिजाज ये है, इसका तो ईमान इस बात पर है कि मौत, रोजी, इज्जत, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के अख्तियार में, बाकी इसमें कोई आदमी कोई ताकत कुछ नहीं कर सकती जरा सी भी, इसलिए डरने अच्छा का तो मतलब नहीं। अच्छा लगता है कम्युनिटी को साथ लेने की बात, मतलब नहीं मैं इसको आप धार्मिक कहेंगे या ऐतिहासिक कहेंगे? नहीं, नहीं, क्या इतिहास के लिए कोई सरकार खर्चा नहीं कर सकती? इनकी बात सुन लीजिए, सुधांशु जी मैं आऊंगा, सुधांशु जी जल्दी पूरा कर, हाँ मैं पूरा कर रहा हूँ, जल्दी 10 सेकंड मुझे दीजिए। देखिए मैंने कहा कि 6 दिसंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर एक ऑब्जर्वर भी मुकर्रर किया था, लेकिन और वहां के चीफ मिनिस्टर जो उस वक्त बीजेपी की सरकार थी, चीफ मिनिस्टर ने एफिडेविट दे करके सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया था कि साहब हम बाबरी मस्जिद की हिफाजत करेंगे, सुरक्षा करेंगे, आज का मुसलमान क्या साथ है? लेकिन बीजेपी की कहनी कथनी और करनी में फर्क है, इसलिए भरोसा नहीं किया जा सकता। हैदर साहब, मौलाना हैदर, मैं आपको लेके आना चाहूंगा डिबेट में, सुधांशु मित्तल 1 मिनट, मौलाना हैदर बीजेपी की कथनी करनी में अंतर है क्या? देखिए सबसे पहले मैं आपको इस शुभ अवसर पर दीपावली के मौके पर हार्दिक बधाई पेश करता हूँ। शुक्रिया आप तमाम लोगों को, तमाम भारतवासियों को, और खुसूसन माननीय मुख्यमंत्री जी को खिदमत में, कि ये एक बहुत ही खुशी का मकाम है कि उन्हीं ने राम जन्मभूमि के ऊपर जाकर उन्हीं के जन्म स्थान पर उनका स्वागत किया और शानदार तरीके से एक तारीखी ऐतिहासिक अंदाज में दीपावली मनाई जा रही है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा उनका कदम है और बहुत ही अच्छा काम है कि उन्हीं की जन्म स्थान पर जाके उन्हीं ने दीपावली मनाई है। और किसी भी इंसान को मैं समझता हूँ कि इस पर एतराज़ नहीं करना चाहिए,
और हम समझते हैं कि अक्सरियत में जो लोग सियासी नहीं हैं, सियासी मुल्कों के या पाकिस्तान के एजेंट नहीं हैं, उनको छोड़ के तमाम लोग जो हैं वो इससे खुश हैं, और तमाम शिया समुदाय के लोग और तमाम मुसलमान दीपावली के मौके पर मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। जो लोग विरोध कर रहे हैं, ये एक बहुत अच्छा कदम है। जो लोग बीजेपी के योगी सरकार की आलोचना कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? मैं तो समझता हूं कि जैसे आबिद साहब बैठे हुए यहां पे, भाई उनके बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि दीपावली एक खुशियों का पुरअमन त्यौहार है। इसमें सियासी मुद्दों को छेड़ के या बाबरी मस्जिद के मुद्दे को लाकर इसके त्यौहार को खराब करने की कोशिश की जा रही है, और ये सरासर गलत है। माननीय मुख्यमंत्री जी की खिदमत में बधाई है, और ठीक है, उनका बहुत अच्छा मौलाना साहब आपकी बात का जवाब अभय दुबे दे रहे हैं। मैसेज जाएगा इस दुनिया में। अभय दुबे की बात का जवाब सुधांशु मित्तल देंगे। अभय दुबे, देखिए सुमित जी, हमेशा मैं विश्व हिंदू परिषद से कहता हूं कि आप अपना जो प्रस्ताव पारित किया है वो सुमित जी के शो में तो बताइए। पिछली बार भी विजय शंकर तिवारी जी को कहा था, चार बार अभी तत्काल इन्होंने प्रस्ताव पारित किया कि मोदी जी क्यों नहीं आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अनुच्छेद 108 आर्टिकल 108 के तहत जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन बुलाते हैं और राम मंदिर के निर्माण का कानून बनाते हैं। और ये रामविलास वेदांती कहते हैं एक वीडियो में कि भारतीय जनता पार्टी की कभी इच्छा ही नहीं थी, उन्हीं के सांसद और राम जन्मभूमि न्यास के सदस्य कहते हैं कि वे चाहते ही नहीं है कि मंदिर का निर्माण हो, वे कहते हैं कि नहीं तो मुद्दा समाप्त हो जाएगा। वही तारीख नहीं बताएंगे वाली बात आप कह रहे हैं कि मेरी सत्ता, मेरी आस्था का प्रतीक है प्रभु श्री राम। प्रभु नहीं, नहीं प्रभु श्री राम आस्था का प्रतीक है। कोई न्याय सेल्फ गोल कर रहे हैं, दे सकती सत्ता दे दो, मंदिर सेल्फ गोल कर रहे हैं, सेल्फ गोल। हम आज भी हम संसद की बात करते हैं, लेकिन आप संसद की बात नहीं करते हैं, आप संसद से बाहर की बात करते हैं। हम आज भी खुले में चौड़े में बात करते हैं कि श्री राम जन्मभूमि के मंदिर का निर्माण का रास्ता संसद से होकर के जाता है। आप बताइए तो जो पुरुषार्थ बताइए दोबारा कह दिया जो संसद से होकर के जाता है, आप बताइए स्वीकार करते नहीं करते हैं? उसी आप बताइए आप संसद से होकर के जाता है इसको स्वीकार नहीं करते हैं? हम आज भी कहते हैं बताइए आपके पास आना चाहूंगा। सरकार आपकी है और ये बहुत जेन्युइन सवाल है जो वीएचपी का, एक मिनट दुबे साहब, एक मिनट, जो वीएचपी ने अपने अपने उसमें भी कहा प्रस्ताव में भी, यही बात मैं पूछता हूँ भारतीय। अब आपकी बारी है, बिल्कुल अच्छा बोर्ड लगाया आपने, मैं आपके पास ही आ रहा था। सुधांशु मित्तल, भारतीय जनता पार्टी, हम आपसे पूछेंगे सुधांशु मित्तल कि बीजेपी संसद में क्यों नहीं प्रस्ताव लेकर आती? यूपी में मेजॉरिटी, दिल्ली में मेजॉरिटी, राज्यसभा में भी आप नंबर वन की पार्टी के बराबरी पर पहुंच गए, अब किस बात का इंतजार है? अब तो देश की जनता आपसे पूछेगी सुधांशु भाई। सुमित जी, बहुत अच्छी बात आपने कही, या आपने अच्छा पूछा। हम तो कांग्रेस से पूछ रहे हैं कि क्या तुम समर्थन देने को तैयार हो, क्योंकि अगर हमें विधेयक लाना है तो हमें राज्यसभा में भी बहुमत चाहिए जहां पे हमारा नहीं है।, है। और अब आप भी तभी तो जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन है। प्लीज प्लीज, किसी राजनीतिक दल की आवश्यकता नहीं है जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन। अभय तुम्हें बोलने दीजिए सुधांशु मित्तल। सुधांशु मित्तल बोलिए, सुधांशु मित्तल बोलिए, कंप्लीट करिए सुधांशु मित्तल की बात के जवाब राजीव राय देंगे। सुमित जी देखिए, देखिए बौखलाहट में ये असत्य को कैसे सामने रखना चाहते हैं। अगर विधेयक जो है पारित होना है तो लोकसभा में तो हमारा बहुमत है, राज्यसभा में हमारा बहुमत नहीं है, हमें चाहिए, ये समर्थन देते हम कर देंगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रश्न मैं जो दो तीन प्रश्न पूछना चाहता हूं, हम तो पूछेंगे। सुमित जी, अभी जो है अब्दुल रहमान आबिद, अब देखिए बीच में नहीं, ये अब्दुल रहमान आबिद साहब कह रहे थे, मैं एक बार अपनी बात कहता हूं, मैं बीच में नहीं टोकता। सुनिए, अच्छा सुमित जी, हम तो पूछेंगे आबिद साहब से। आबिद साहब, हज पे जो सरकारी खर्चा होता है वो तो नहीं होना चाहिए ना, वो तो रुक जाना चाहिए ना। तो हम तो पूछेंगे कि आप चुप क्यों हैं उस बारे में। हाँ तो आप बोलिए कि हज पे जो है सरकारी खर्चा, जो सब्सिडी मिलती है, नहीं मिलनी चाहिए। आप यहां पे डिमांड करिए, हम आपकी इज्जत करेंगे। हम तो एक और चीज पूछेंगे आबिद साहब,
कि क्या ये सत्य नहीं है कि एक शिया वक्फ बोर्ड होता है और एक सुन्नी वक्फ बोर्ड होता है, और कोई भी मुसलमान की जो ये प्रॉपर्टी होती है या तो वो शिया वक्फ बोर्ड की होती है या सुन्नी वक्फ की बोर्ड होती है, ये हम तो पूछेंगे ये सत्य है कि नहीं है। और ये भी सत्य है कि नहीं है कि 1966 में 21/4/66 में लर्नेड सिविल जज फैजाबाद ने एक फैसला दिया, उसने कहा इन व्यू ऑफ द फैक्ट्स एंड रीजंस डिस्कस्ड अबव आई होल्ड अंडर इश्यू नंबर 19 दैट नो वैलिड नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 5(1) ऑफ यूपी मुस्लिम वक्फ एक्ट नंबर 13 ऑफ 36 वाज एवर मेड सो रिलेटिंग टू द स्पेसिफिक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी ऑफ द प्रेजेंट सूट, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन पेपर नंबर इतना विद लिस्ट नंबर इतना डू नॉट कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ वैलिड नोटिस इन द अबव आईज ऑफ लॉ इनइक्विटी एंड आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। हम तो ये पूछेंगे कि ये जजमेंट जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने 1980 में अपहोल्ड करा था, ये सत्य है या नहीं है? और अगर ये सत्य है तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों हो रहा है? हम तो ये पूछेंगे। वही मुस्लिम अपीजमेंट की बात होती रही बीती सरकारों में, अगर अब बीजेपी मेजोरिटी को साथ लेकर चलना चाहती है। अपनी बात खत्म कर दूं, शिया वक्त की ये प्रॉपर्टी जो है उसमें सुन्नी वक्त जो है दुगदुगी क्यों बचा रहा है? हम तो ये पूछेंगे, हम तो ये पूछेंगे कि शिया जो है अमन चांद शांति के लिए जगह देने को तैयार है और आप उसके अंदर आबिद साहब ठीक है तैयार है। सुधांशु भाई यू गॉट अ वैलिड पॉइंट, मैं आबिद साहब से जवाब लेता हूं। आपने आबिद साहब से पूछा, आबिद साहब बोलना भी चाह रहे हैं आपकी बात पे। आबिद साहब आबिद साहब उसके बाद राजीव राय आपके पास। सुधांशु मित्तल जी ने पहली बात के साहब हज पे सब्सिडी जो ली जाती है वो बंद होनी चाहिए, तो मैं डिमांड करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, सुधांशु भाई आप मेरा ये मैसेज पहुंचाइए प्राइम मिनिस्टर साहब को और हमारे जितने बड़े संगठन है मुसलमानों के सारे बोल चुके हैं इस बात को, और अभी पिछले कई सालों से सुधांशु भाई सुन तो लीजिए ना, हम ये डिमांड कर रहे हैं कि साहब हज पे सब्सिडी बंद की जाए, लेकिन साथ ही हज कमेटी को ये पावर दिया जाए कि वो इंडिपेंडेंट एयरलाइंस का अपना टेंडर करने का उसको अधिकार दिया जाए, ताकि वो जो डबल किराए की शक्ल में वसूल कर लिया जाता है, 20 रुपए मिलते हैं सब्सिडी के और 50 रुपए किराए में ज्यादा वसूल कर लिए जाते हैं पर हाजी, तो ये एक अत्याचार बंद हो जाएगा। दूसरी बात, आपने कहा शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड, आपको मैं बता दूं कि सन 1949 से जिस दिन से यह केस आया था इसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड पार्टी है, और यह मौलाना आजाद के पास यह केस आया था। सर मुझे मालूम है, सुन लीजिए, ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रिंस अंजुम कदर नाम के एक शिया लीडर होते थे बहुत बड़े, जो रॉयल फैमिली से थे, ये उनकी खानदानी प्रॉपर्टी वक्फ थी। उन्होंने इसको सन 1986 में इस मसले पर कुछ इसी तरह के जो है तनाजे हुए थे, तो उस वक्त उन्होंने क्लियर कर दिया था इस मामले को कि ये सुन्नी वक्फ बोर्ड को हम अनुशासन में दे चुके हैं, सुन्नी वक्फ बोर्ड को अनुशासन में वो दे चुकी है। शियाओं को मतलब नहीं है इस सीट से, नहीं शिया वक्फ बोर्ड का केस ही नहीं है ये। सुनीत भाई आप रिकॉर्ड नहीं करवा के इससे कोई लेना देना है, हाई कोर्ट का रिकॉर्ड है, आप ये कह रहे हैं मुस्लिम जमात पे डिवीजन है, नहीं सुन्नी वक्फ बोर्ड अलग खड़ा है और शिया वक्फ बोर्ड अलग खड़ा है। ना ना ना, अरे सामने आपने कहा, एक पॉइंट सिर्फ समझने का है, वो जो आदमी इस वक्त चेयरमैन है शिया वक्फ बोर्ड का, वो आजम खान साहब का चेला है, और बीजेपी वाले उसके पिछले 3 साल से उसकी सीबीआई की इंक्वायरी का मुतालबा कर रहे हैं कि वो करप्ट है, उसके सरासर बयान लगाया जा रहा है। आज बीजेपी की सरकार जो है अपनी जान बचाने के लिए अपने कदम लगाए हैं, बीजेपी की हाथ मौलाना हैदर बोल रहे हैं बैठे हुए बीजेपी के साथ बैठे हुए गोद में जाकर बैठ गए भाई, कैसे मुसलमान है सत्ता के साथ बदल जाते हैं, मुसलमान सत्ता के साथ बदल जा रहे हैं, चेयरमैन कहिए वो चेयरमैन उसके गले में फंदा हरा हुआ है, जो मुसलमान लटका दे, जो मुसलमान वो अपनी गर्दन बचाने के लिए आज सुधांशु राम मंदिर के पक्ष में आके बैठा हुआ है, और वो इनके हाथ में हाथ मिला करके राम मंदिर के नहीं आबिद साहब, मैं उनके मुसलमान होने पे सवाल नहीं उठा रहा हूं, आबिद साहब मैं आपको रोक रहा हूँ, अभय दुबे में आऊंगा, राजीव राय में आऊंगा, ब्रेक का वक्त है, लेकिन ये बहुत दिलचस्प है कि जो शख्स आजम खान का था वो पिछले 2 महीने में सत्ता बदलते से ही अब योगी साहब के साथ खड़ा हो गया है, ये क्यों हो रहा है, शिया वक्फ बोर्ड क्यों अब राम मंदिर की पैरवी कर रहा है, ये भी बेहद दिलचस्प है, जाना ब्रेक के उस पार।
अभय जी सेल्फ बोल कर रहे हैं, सेल्फ बोल। हम आज भी हम संसद की बात करते हैं, लेकिन आप संसद की बात नहीं करते हैं, आप संसद से बाहर की बात करते हैं। हम आज भी खुले में चौड़े में बात करते हैं कि श्री राम जन्मभूमि के मंदिर का निर्माण का रास्ता संसद से होकर के जाता है। आप बताइए एक बार फिर आपका स्वागत है। आखिरी सेगमेंट है, नतीजे दिखा देते हैं। पोल क्या कह रहा है कि अयोध्या में योगी सरकार की दिवाली का विरोध करने वाले क्या सियासत कर रहे हैं, हाँ कहने वाले 94% और ट्विटर पोल पर हाँ कहने वालों की संख्या पिछली बार की तरह 86% पर बनी हुई है। राजीव राय, मैं सीधे आपसे जानना चाहता हूं, दर्शक कह रहे हैं कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो दरअसल सियासत कर रहे हैं, तो ये जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स होती रही आज तक खास समुदाय के लिए, उससे दर्शक और श्रोता और खासकर यूपी की जनता ने अपने वोट से दिखा दिया कि अब हमारी भी सुननी होगी, और इसीलिए योगी जी अगर नवरात्रि की पूजा करते हैं या दिवाली की पूजा करते हैं तो पब्लिक उनसे गुस्सा नहीं कर रही है। राजीव राय, सुमित जी, मैं बड़ी साफगोई से कहूंगा, वैसे तो ये प्रोग्राम आपका है कि हम पूछेंगे, लेकिन हम पूछेंगे वाले सुधांशु मित्तल साहब को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि आप मार्केटिंग करते हो, हम मार्केटिंग नहीं करते। आप नवरात्रि में कन्याओं को खिलाने की बात कर रहे हैं, मैं दो तस्वीरें अगर आपके पास टाइम हो तो दिखा दूं। हमने नवरात्रि में डिंपल जी ने अपने हाथ बिल्कुल की थी, हम खुद दिखा दी, बच्चियों को खिला रही थी और योगी जी पत्थर में नौकर से खिलवा रहे थे। पहली बात, आपने आधा मेरा सवाल पूछ लिया था, उस आधे सवाल को बढ़ा दूंगा, मेरे मुंह की बात छीन ली थी कि आपको बहुमत है, आप कब लोकसभा में और राज्यसभा में लाएंगे। हमारा शुरू से रहा है कि राम मंदिर का निर्माण या तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से या आपसी बातचीत से होना चाहिए, और कल योगी जी ने भी यही बात कही। तो योगी जी सच बोल रहे हैं या मोदी जी सच बोल रहे हैं? प्रवक्ता आकर बोलते हैं कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे। आप ये बताइए, आप विपक्ष का तो स्टैंड बहुत क्लियर है, हम दो ही बात मानेंगे, तीसरी नहीं मानेंगे। आपको ये बोलने में डर क्यों लग रहा है? कल योगी जी ने क्यों नहीं बोला कि हम प्रधानमंत्री से बोलकर इसको लोकसभा में और राज्यसभा में लाएंगे? अगर आपकी इतनी हिम्मत नहीं है तो राम को बेचना और राम की मार्केटिंग बंद कर दीजिए। हम तो पूछेंगे राजीव भाई को भटकाएंगे, बीजेपी को घेरिए, राम मंदिर बनाने को लेकर आपको घेरना भी चाहिए, आपकी राजनीति भी वही है। मेरा सवाल दूसरा है राजीव भाई, राजीव भाई मेरा सवाल दूसरा है, योगी जी के दिवाली मनाने पर आपत्ति क्यों, और अयोध्या की सरयू के तट पर दिवाली मनाने की आपत्ति क्यों, क्यों नहीं होना चाहिए कार्यक्रम? ये बात अभय दुबे की मैं मान सकता हूं कि गोरखपुर के बच्चे मारे जा रहे हैं, उनके इलाज के लिए पैसा चाहिए, यहां पे आप 300 करोड़ दे रहे हैं, गोरखपुर के अस्पताल के लिए 63 करोड़ रुपए नहीं आपके पास। लेकिन राजीव राय, इस तरह की दिवाली तो अखिलेश भी कर सकते थे, मुलायम सिंह भी कर सकते थे, क्यों नहीं हुई? क्यों हमने अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्केटिंग इन्होंने किया, अखिलेश जी ने भी किया, मुलायम सिंह जी ने भी किया, राजीव राय ने भी किया और आपने भी किया, मार्केटिंग नहीं किया, बस इतना था। नहीं, किस दिवाली पे गए, किस दिवाली पर अखिलेश या मुलायम सिंह गए, मुझे याद दिलाइए, मैं भूल रहा हूँ, मेरी याददाश्त कमजोर है, ठीक कराइए राजीव राय। अच्छा तो आपको हिंदू ना, सुमित जी हिंदू का सर्टिफिकेट लेने के लिए, दिवाली मनाने के लिए अयोध्या में जाना जरूरी है क्या? आप कितनी बार गए? मैं तो नहीं गया, मैं तो घर में मना रहा हूँ। सर्टिफिकेट की बात, मुझमें राम, तुम्हें राम, कौन कर राम, घट घट में राम, अखिलेश राम के लिए जगह की टोपी पहनकर इफ्तार कर सकते हैं, मुलायम सिंह इफ्तार कर सकते हैं, खुदा के लिए घर ढूंढने लगे, छोड़ने जा सकते हैं, वेलकम कर सकते हैं, तो ये दिवाली क्यों नहीं मना सकते जनाब? प्रमाण यात्रा में भी भेजा था, ये दिवाली क्यों नहीं मना सकते जनाब? मुझे ये बताइए, हमने ये जो आयोजन हो रहा है, आप कहिए कि आपसे चूक हो गई, आपने भी कवरेज दिया था, आपके चैनल ने भी कवरेज दिया था, सुमित जी एक याद दिलवाई, हमने हिंदुओं को भी प्रमाण यात्रा के लिए भेजा था। सिंह जी ने क्या कहा? सुधांशु मित्तल मुलायम सिंह जी ने यह कहा था कि मुझे दोबारा गोली चलानी पड़ती तो मैं बिल्कुल नहीं झिझकता। बिल्कुल अयोध्या के बारे में तो मुलायम सिंह जी के जो है सत्य वचन और पुण्य वचन क्या थे कि मुझे अयोध्या में दोबारा गोली चलानी पड़ती तो मैं एक मिनट भी नहीं जी सकता। ये इन्होंने कहा था कब? सुनिए, अरे आप देखिए, आप खिसिया क्यों रहे राजीव जी? आप जब बोले थे मैं नहीं बोला ना, मुझे मेरी बात रखने दीजिए। कब कहा? चुनावों से पहले, ताकि फिर मुस्लिम तुष्टिकरण करके जो है वोटों का ध्रुवीकरण कर ले। इनकी राजनीति क्या रही है? पाखंड और दिखाने की राजनीति है। मेरा मुंह ना खुलवाएं, किस किस तरह से इन्होंने मुसलमानों को किस किस चुनावों में बेचा है,
मैं आपको कभी बताने लगूंगा तो दांत तले आप सवालों के जवाब दे दीजिए। किस तरह का चरित्र है ये पाखंड करते हैं मुस्लिम हितैषी बनने का, असलियत में इनकी सारी राजनीति जो है सिर्फ तुष्टीकरण से वोट लेने की है और कुछ नहीं है। रामराज क्यों नहीं आ रहा है, विकास क्यों पागल हो गया है। राजीव राय सुमित जी देखिए, मैं तो देखिए आपका बहुत प्रामाणिक शो है, एक सत्य पर से पर्दा उठना चाहिए कि आर्टिकल 108 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है, जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन, किसी बहुमत की आवश्यकता नहीं आपको सुधांशु मित्तल जी, आप स्वयं कानून बना सकते हैं। आपको पढ़ के सुना देता हूं, प्रभु श्री राम का मंदिर नहीं बनेगा, आपको 108 का भी पढ़ के सुना देता हूं बनेगा, लेकिन प्रभु श्री राम, सुन लीजिए प्रभु श्री राम पाखंड, सुन लीजिए सुधांशु मित्तल जी, आपके बीच में मैंने नहीं बोला, प्रभु श्री राम पाखंडियों को अपने पवित्र मंदिर के निर्माण का अवसर नहीं देंगे। जब भी देश में सद्भाव की सरकार होगी, सरकार दस्ताल रही अबे दुबे होगा, अबे दुबे अगर ये पाखंडी हैं और ये मंदिर नहीं बना सकते, दस्ताल आपकी सरकार रही अबे दुबे, क्या कोशिश की आपने सुप्रीम कोर्ट से लेकर संवैधानिक समुदायों के बीच में एक बार भी कोशिश की हमको कि वहां पर राम मंदिर के रास्ता था वो, या दोनों कम्युनिटी आमने सामने बैठ के रास्ता निकाले अबे दुबे, आप इनको पाखंडी बोल रहे हैं, आप 10 साल यूपी में रह के आए, यूपी की सरकार रह के आए, राजीव गांधी जी के सुमित जी एक शेर था, हमने देश से वादा किया अब राम के मंदिर के निर्माण के सत्य को नहीं मेरी दास्तान को जरा सा बदल कर मुझे इस तरह सवेरे सवेरे कब तक आप हिंदुओं की माला जपेंगे, हिंदू आपका यही पाखंड आपको जो है लोगों की नजर में अबे दुबे ये बीजेपी का प्रेशर है, आप मानिए अबे दुबे ये नरेंद्र मोदी अमित शाह आरएसएस का प्रेशर है, राहुल गांधी अभी गुजरात के दौरों में मंदिरों के दर्शन करते दिखाई दिए, नवरात्रों के डांडिया करते दिखाई दिए, पूजा अर्चना करते दिखाई दिए, कहां तस्वीरें राहुल गांधी बीते 10 साल से राजनीति में 13 साल से लेकर कहां तस्वीरें थी राहुल गांधी की बीते 3 साल में, ये सब याद आ रहे हैं आपको, हमने कभी अपनी नहीं नहीं अबे दुबे अगर बीजेपी पाखंडी है धर्म के नाम पर तो कांग्रेस भी मौका पे मौका वही काम करती है, और यही कांग्रेस की दिक्कत है, आप तय नहीं कर पाते कि आप उधर रहना है कि उधर रहना है, ये नरेंद्र मोदी जी से कहता था आप मस्जिदों में तो सेल्फी खींचने की कोशिश करूंगा लेकिन थोड़ी सी इनकी आवाज कम हो जाए जल्दी। देखिए सुमित भाई, अभी मुस्लिम तुष्टिकरण की बात आई, तो मुस्लिम तुष्टिकरण तो जब से आजाद भारत हुआ है उस तुष्टिकरण का नतीजा ये हुआ है कि आज मुसलमान नौकरियों से बाहर है, रोजगार से बेदखल है, कारोबार से बिल्कुल एक किनारे पे साइड में खड़ा हुआ है, और शिक्षा में भी साइड पे किनारे में खड़ा कर दिया गया है, और टोपी या पहनकर या जो कह लीजिए कि अवतार पार्टियां करना, तो इस काम में कांग्रेस हो बीजेपी हो, वाजपेयी जी ने भी टोपियां पहन करके बड़ी टोपियां पहनाई है, कांग्रेस ने भी मुसलमानों को टोपी पहनकर टोपियां पहना, हर राजनीतिक पार्टी ने टोपी पहनकर मुसलमानों को टोपियां पहनाने में कोई कमी नहीं। अगर आप ये कह रहे हैं कि देश के मुसलमान परेशान है, तो हिंदुस्तान का मुसलमान के पाकिस्तान के मुसलमान से ज्यादा बेवकूफ है, पाकिस्तान से हम तुलना नहीं कर सकते, हिंदुस्तान का शुक्रिया अदा करूंगा। ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि जो लोग योगी साहब की दिवाली का विरोध कर रहे हैं वो दरअसल सियासत कर रहे हैं, योगी साहब को तो मैंडेट मिला है और अयोध्या को पर्यटन के विश्व पर्यटन के मानचित्र पर आने का इससे बेहतरीन मौका नहीं मिल सकता था दिवाली के मौके पर वहां पर दीपावली का दीपोत्सव मनाकर। शुक्रिया, सीधे चलेंगे किशोर के पास 100 बात की एक बात के लिए, और हम सब की तरफ से आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। गुड नाइट।